हेलो दोस्तों, आज की स्टूडियो में हम लोग बात करेंगे 10 नए फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम्स के बारे में, जिनकी ग्राफिक्स भी बहुत कमाल की होंगी और सभी के सभी गेम्स ऑफलाइन रहने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आज की स्टूडियो में बताए गए जितने भी गेम्स हैं वो नए होंगे या फिर अंडररेटेड होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट प्रतीक, आप लोग देख रहे हैं प्रोटेक यूट्यूब चैनल। तो चलिए फिर साथ में मिलकर के पता करते हैं आखिर कौन से हैं वो गेम्स, अलग अलग कैटेगरीज को बिलोंग करेंगे। कोई गेम हॉरर हो सकता है तो कोई गेम ज़ॉम्बीज का सामना करने वाला हो सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो करिएगा लाइक और ऐसे वीडियोस को हमेशा देखते रहने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। चलिए मेरे भाइयों, वीडियो करते हैं स्टार्ट एंड बात करते हैं फर्स्ट गेम की, जो निकल करके आता है डेड एंड। गेम का साइज आपको देखने के लिए मिल जाएगा 530 MB का। गेम पूरे तरीके से ऑफलाइन है। गेम की ग्राफिक्स काफी अच्छी है। एक चीज मैं आपको बता दूं, इस गेम को काफी अंडररेटेड माना जाता है। इस गेम की ग्राफिक्स अच्छी होने के बाद भी ज्यादातर लोग इस गेम को प्ले नहीं करते। यहाँ पर हुआ क्या है, आप लोगों को सामना करना होता है ज़ॉम्बीज का। पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड दिखाया गया है, जहाँ पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। आपके पास में खतरनाक वेपन्स जैसे AK-47 और आप उनको शूट करते चले जाएंगे। एक लिमिटेड टाइम के अंदर आपको सरवाइव करना होगा। इसी के साथ में चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सेकंड गेम की, जो निकल करके आता है अल्टीमेट बैटल स्ट्राइक। इस गेम की ग्राफिक्स आप लोगों को इसके साइज के अकॉर्डिंग काफी अच्छी देखने के लिए मिल जाएंगी। जी हाँ, इस गेम का साइज है ओनली 75 MB। गेम ऑफलाइन है और गेम के डेवलपर्स का तो ये तक कहना है कि गेम ये हर डिवाइसेस के अंदर चल जाएगा, चाहे आपके फोन में रैम 1 GB ही क्यों ना हो। 2021 में भी ऐसे गेम्स आ रहे हैं जो कि 1 GB रैम वाले डिवाइसेस में चल पा रहे हैं, तो बताओ और क्या चाहिए। ग्राफिक्स अच्छी है, सिनेमैटिक सीन्स दिखाई जाते हैं, बीच बीच में तगड़ी स्टोरी है और खतरनाक शूटिंग एक्सपीरियंस है। और अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ वीडियो के थर्ड गेम की, तो वो निकल करके आएगा नन अदर देन प्योर स्नाइपर। एक बिल्कुल नया स्नाइपिंग गेम है, जिसके अंदर आप लोग ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही मोड मिल जाएंगे। बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के ऑफलाइन खेल सकते हो, लेकिन जब मन करे तो PvP बैटल्स ऑनलाइन भी लड़ सकते हो। इतना ही नहीं, गेम का साइज 110 MB का है। आप लोगों को दूर बैठना है किसी बिल्डिंग पे, आपको एक टारगेट दिया जाएगा कि उस टारगेट को उड़ाना है। अपना सांस रोक करके परफेक्ट टाइम का इंतजार करके हवाओं की दिशाओं को कैलकुलेट करके एक शॉट लेंगे और खोपड़ी खोल देंगे। और चलिए अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ वीडियो के फोर्थ गेम की तरफ, जो निकल करके आएगा TDZ3 स्टॉकर। इस गेम के डेवलपर्स का कहना है प्रोटेक्ट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। जहाँ पर फैमिली सुनता हूँ मेरे को फास्ट एंड फ्यूरियस की याद आ जाती है। बात करो इस गेम के साइज की, तो वह 320 MB। ऑब्वियसली ये गेम भी ऑफलाइन है। यहाँ पर आपको एक तगड़ी स्टोरी मिल जाती है, जिसमें आपका जो खुद का बेटा है वो मर चुका है एंड इसको बचाने के लिए आप लोग पता नहीं क्या कुछ नहीं कर जाते हैं। खतरनाक म्यूटेंट्स और क्रिएचर्स से भिड़ जाते हैं। मतलब अच्छी स्टोरी, तगड़ी ग्राफिक्स, वैरायटी ऑफ द कैरेक्टर्स मिल जाते हैं और तगड़ा फर्स्ट पर्सन शूटिंग एक्सपीरियंस मिलता है। और ये लीजिए, अब हम लोग आप पहुंचे वीडियो के मिडिल में, यानी कि फिफ्थ गेम की तरफ, जो निकल करके आता है वॉर स्ट्राइक। वॉर स्ट्राइक एक ऐसा गेम है, जब से ये लॉन्च हुआ है इसने मार्केट में अपनी जगह बना ली है। डेली इस गेम के बारे में बातें होती है, चर्चा होती है और इसने काफी तगड़ी हाइप बना करके रखी है। क्यों भला, इस गेम का साइज स्टार्टिंग में तो 60-70 MB के आसपास का था और अपडेट के चलते 100 MB और 100 MB से भी थोड़ा सा ऊपर जा चुका है। गेम पूरे तरीके से ऑफलाइन है। डिफरेंट डिफरेंट गेम मोड्स मिल जाते हैं, अलग अलग लोकेशंस मिल जाती हैं, खतरनाक वेपन्स मिल जाती हैं। कई बार तो आप हेलीकॉप्टर से शूटिंग कर रहे होते हैं, कहीं बार मशीन गन चला रहे होते हैं, कई बार आप लोगों को सिनेमैटिक्स दिखाए जाते हैं। इस गेम के अंदर भी एक बहुत ही अच्छा कैंपेन मिल जाता है। इतने कम साइज में इतना तगड़ा कैंपेन मिल पाना नामुमकिन था, लेकिन वो इस गेम ने करके दिखाया है। और बिना देरी के चलिए बात करते हैं वीडियो के सिक्स्थ गेम की, जो निकल करके आता है ब्लैक बेल टैक्टिक्स। इस गेम का साइज आपको देखने के लिए मिल जाएगा मेरे भाइयों 310 MB का। गेम के डेवलपर्स का ये कहना है कि गेम के अंदर जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो काफी स्मूथ होगा, मक्खन की तरह गेम चलने वाला है। डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस देखने के लिए मिल जाएंगे और साथ ही साथ में आपको बहुत सारी वेपन्स मिल जाएंगी। इसी के साथ में कंट्रोल्स को भी हमने बड़ा ही आसान रखा है और AAA लेवल यानी कि कंसोल क्वालिटी मोबाइल डिवाइसेस पर लाए हैं। अब किस हद तक वो सही बोल रहे हैं ये आप लोग जब गेम को प्ले करेंगे मुझे बता दीजिएगा। और चलिए अगर मैं आपसे बात करता हूँ वीडियो के सेवंथ गेम की, तो वो निकल करके आता है द सन की ऑफ द हेवन। इस गेम का साइज है 420 MB। गेम ऑफलाइन है और इसके बारे में मैंने पहले भी काफी बार बात करी है। ये गेम मुझे पर्सनली पसंद ही इतना है, हालांकि प्ले स्टोर पर पेड है, पर फिलहाल तो यार कुछ 14-15 रुपए का मिल रहा है, तो अगर चाहे तो खरीद सकते हो। अच्छी बात यह है कि गेम ओपन वर्ल्ड है, आपको आसपास के एनवायरनमेंट कहीं से भी जाकर के रिक्वायर्ड आइटम्स और सप्लाईज लेकर के आनी होती है, जैसे गन, खाना, पानी, सभी चीजें, ताकि थर्स्ट और हंगर भी कंट्रोल में रहे और अपने आप को बचा करके भी रखना है, क्योंकि रात में खतरनाक क्रिएचर्स बाहर आ जाते हैं जिनसे लड़ाई होती है। और अगर मैं बात करता हूँ वीडियो के एट्थ गेम की, तो वो निकल करके आता है श्रे। ये आप लोगों को 90s के रेट्रो गेम्स की याद दिला देगा। मैंने बोला था कि अलग अलग टाइप के गेम्स बताऊंगा और ये उन्हीं में से एक है। इस गेम का साइज ऑलमोस्ट 140 MB के आसपास। गेम ऑफलाइन है, खतरनाक वेपन्स आपको मिल जाती है, सामने से कुछ ऐसे दानव से क्रिएचर्स से आते हैं, उनको लगातार शूट करते चले जाइए। अगर आपकी स्किल्स अच्छी है तो ज्यादा समय तक आप बच पाएंगे, नहीं तो फिर इतने सारे आ जाते हैं ना
टाइम पे तो हैंडल कर पाना मुश्किल हो जाता है। और इसी के साथ में जो नाइन्थ यानी कि सेकंड लास्ट गेम निकल करके आता है वो भी बिल्कुल अलग है, एंडलेस नाइटमेयर। इस गेम को साइज देखने के लिए मिल जाएगा आप लोगों 110 एमबी के आसपास का। हालांकि एक हॉरर गेम है, जी आप लोगों सही सुन रहे हो, इस गेम में आप लोगों को काफी डर लगेगा। बहुत तगड़ी स्टोरी है, एंडलेस नाइटमेयर सीरीज का ये पार्ट है। बस यहाँ पर आप लोग को शूटिंग करने के लिए भी मिल जाती है, वो भी फर्स्ट पर्सन गेम है। शूटिंग करेंगे, बॉसेस आते हैं, क्रीचर्स आते हैं, उनको मारते हैं, फिर अचानक से फ्लैशबैक में कहीं पहुंच जाएंगे आप लोग, फिर स्टोरी दिखाई जाएगी, बचना होगा, सरवाइव करना होगा, फिर से शूटिंग होती है। और देखते ही देखते मेरे भाइयों हम आप पहुंचे हैं वीडियो के लास्ट गेम की तरफ, जो निकल करके आता है स्पेशल फोर्स ग्रुप 3। पूरी वीडियो का सबसे धमाकेदार गेम जिसका साइज है 1.15 GB, गेम ऑफलाइन है, ऑनलाइन मोड भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, गेम रिजेंबल करता है बड़े ही पॉपुलर प्रसिद्ध पीसी गेम CS:GO को। जी हाँ, काउंटर स्ट्राइक वाली फीलिंग आपको मोबाइल पर आ जाती है, उसी टाइप से स्विंग करना, वैसी एनिमेशन, वैसी फाइटिंग, वही मैप्स, सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा अपने छोटे से स्मार्टफोन पर। सो दैट्स इट गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 10 ऐसे गेम बताए जिनके अंदर तगड़ी स्टोरी है, कैंपेन है, सभी के सभी गेम्स ऑफलाइन है, ज्यादा साइज के नहीं है, सिवाय लास्ट वाले गेम को छोड़ें तो सब 100-200 किसी एमबी के आसपास के हैं। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, और ऐसी वीडियोस को हमेशा देखते रहना चाहते हो, अपनी पसंद के टॉपिक्स के ऊपर वीडियो एंजॉय करना चाहते हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। देखते रहिए प्रोडक्ट, मिलता है धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।